हेलो दोस्तों, क्या आपके चेहरे पे भी दाग धब्बे हैं? जी हाँ दोस्तों, चेहरे पे दाग धब्बा होना अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग के लिए परेशानी का विषय रहता है कि उनके चेहरे पे दाग धब्बे हैं और चेहरे पे दाग धब्बे होने की वजह से वो कहीं पार्टी अटेंड नहीं कर पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेम फील करते हैं। चेहरे पे दाग धब्बे होना आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम आप लोग को एक ऐसी दवा के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग चेहरे से दाग धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। जो भी वीडियो मेरा आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेश कुमार, आप लोग का अपना दोस्त, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल DRX इन्फॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, हमारे वीडियो अगर आप लोग को अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्पेशली वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। आइए बात करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम मेलामेट क्रीम के बारे में। मेलामेट क्रीम के बारे में बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको मेलामेट क्रीम के पूरे डिटेल के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान मौत के समान होता है, इसलिए हम आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे मेलामेट के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उसके क्या क्या यूज है उसके बारे में बताएंगे, मेलामेट क्रीम का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है इसके बारे में बताएंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, वार्निंग क्या है, मतलब किन किन लोग को ये क्रीम नहीं लगाना चाहिए, इस क्रीम का प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग कब करें इसके बारे में भी बताएंगे। और दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोग इस क्रीम को लगाना बंद करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप लोग इस क्रीम को बंद कर सकते हैं लगाना, इस तरह की पूरी जानकारी हम आप लोग को इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को पहले ही बोले हैं, आधा अधूरा ज्ञान मौत के समान होता है। तो दोस्तों, मेलामेट क्रीम के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से देखिए और हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मेलामेट क्रीम के बारे में। बता दें, इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसके बारे में, हाइड्रोक्विनोन रहता है, ट्रेटिनोइन रहता है और मेमेथासोन, ये तीन तरह की दवाइयाँ इस क्रीम में मिक्स रहती है। अब बात करते हैं ये तीनों के यूज के बारे में। जो हाइड्रोक्विनोन होता है दोस्तों, ये स्किन लाइटनिंग क्रीम है। जी हाँ दोस्तों, ये स्किन लाइटनिंग क्रीम है। स्किन जो है उसको निखारता है, उस पर लाइट लाता है, इसके लिए हाइड्रोक्विनोन यूज होता है। ट्रेटिनोइन जो होता है वो विटामिन ए है और ये जो होता है स्किन को रिन्यू करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ये ट्रेटिनोइन है। और मेमेथासोन जो है ये एक स्टेरॉइड है दोस्तों, ये स्टेरॉइड है। स्किन पर दाग धब्बे लाने वाले जो भी केमिकल प्रोडक्शन होता है उस केमिकल प्रोडक्शन को ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से स्किन पर कोई रेसेज नहीं आते हैं, खुजली नहीं होती है और किसी प्रकार के कोई भी दाग नहीं होते हैं। दोस्तों, इन तीनों का क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या रोल है, ये हो गया। अब आपको हम बता दें, ये तीनों जो दवा है ये मेलामेट क्रीम में मिला हुआ है। इस क्रीम का प्रयोग मेलाज्मा में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेलाज्मा एक ऐसी बीमारी है क्योंकि स्किन पर रेडनेस हो जाता है, दाग धब्बे हो जाते हैं, जलन होती है, इस तरह का जो लक्षण होता है वो मेलाज्मा में होता है। तो अगर आपके चेहरे पर मेलाज्मा है, यानी कि चेहरे पर दाग धब्बे हैं, तो इस क्रीम का प्रयोग चेहरे पर हुए दाग धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आप लोग बहुत दिनों से इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका दुष्प्रभाव भी जरूर देखने को मिल सकता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है दोस्तों, ये अप्लाई किए हुए एरिया पर जलन महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, जलन या फिर खुजली जैसा महसूस होता है। इस तरह का अगर आप लोग को लक्षण कोई दिख रहा है तो आप लोग तुरंत डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट से संपर्क करें। अब बात करते हैं वार्निंग के बारे में। ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जिनको इस दवा से अवॉइड करना चाहिए, जिनको इस क्रीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, वैसे सब कोई इस क्रीम का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जिन लोग को इस क्रीम से एलर्जी होती है वो लोग इस दवा से अवॉइड करें। अब बात करते हैं इस दवा को प्रयोग कैसे किया जाए। बहुत लोग को तो पता रहता है दवा के बारे में, लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में नहीं पता रहता है। तो हम आपको बताएंगे इस क्रीम का प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और कितनी मात्रा में किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं इस क्रीम का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इस क्रीम का प्रयोग रात में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रात में सोते समय इस क्रीम का प्रयोग किया जाता है।
रात में चेहरे को अच्छे तरीके से धुल लीजिए, फिर साफ टॉवल से चेहरे को साफ करके फिर इस क्रीम को थोड़ा सा इस क्रीम को अप्लाई करिए चेहरे पे। इसी तरह से दोस्तों रात में इस दवा का प्रयोग किया जाता है, दिन में इस दवा का प्रयोग ना करें। अगर दिन में इस दवा का प्रयोग करते हैं तो सनलाइट के द्वारा कुछ एलर्जी रिएक्शन हो सकते हैं। अगर आप लोग बहुत दिनों से इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं और आप इस दवा को लेना बंद करना चाहते हैं, इस दवा को लगाना बंद करना चाहते हैं, तो आप कैसे बंद कर सकते हैं, ये सवाल सबके मन में रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसका भी सलूशन देंगे, क्योंकि हम आप लोग को बताए हैं मेलामेट क्रीम के बारे में, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों अगर आप इस दवा को लगाना बंद करना चाहते हैं तो आप इस दवा को लगाना तुरंत ना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, अचानक से आप इस दवा को लगाना बंद करते हैं तो आपके चेहरे पे बहुत तरह के एलर्जी रिएक्शन देखे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को इस दवा लगाना बंद करना है तो आप इस दवा को 2 हफ्ते तक एक दिन अल्टरनेट करके लगाइए। जी हाँ, जहाँ आप डेली यूज करते थे इस दवा को, तो आप एक दिन अल्टरनेट करके इस दवा को लगाइए, फिर उसके बाद 2 हफ्ते तक, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक इस तरह से लगाइए, फिर उसके बाद से आप 2 दिन गैप करके लगाइए, फिर हफ्ते में 2 दिन लगाइए इस दवा को, फिर हफ्ते में 1 दिन लगाइए इस दवा को। इस तरह से आप इस दवा को लगाना बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अचानक से इस दवा को लगाना बंद करते हैं तो आपके चेहरे पे कुछ एलर्जी रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही घातक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। और लास्ट में हम आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दें, अगर आप लोग कोई भी दवा प्रयोग कर रहे हैं तो डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट की सलाह जरूर ले लें, बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट के सलाह के इस दवा का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों ये हो गया इसके बारे में। अगर आप लोग को हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।